अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आप लोग के साथ पार्क एवेन्यू बियर शैम्पू का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ, जो कि एक परफेक्ट हेयर शैम्पू है। सो फ्रेंड्स, इसके बारे में अगर बताएं तो पार्क एवेन्यू एक बड़ा ब्रांड है, एक पुरानी कंपनी है, काफ़ी टाइम हो चुका है इसको मार्केट में आए हुए, और इसके जितने भी प्रोडक्ट आते हैं काफ़ी अच्छे होते हैं, चाहे वो स्किन केयर के लिए हों, चाहे वो हेयर केयर के लिए हों या बॉडी केयर के लिए हों। फ्रेंड्स, मुझे इसके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं अधिकतर अच्छे ही लगते हैं और काफ़ी यूज़फुल होते हैं हमारे लिए। तो चलिए आगे हम इस पर ज़्यादा बातें ना करते हुए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि इन फ्यूचर मेरे वीडियो का आने वाला कोई भी नोटिफिकेशन आप लोग से मिस ना हो। लाइक करिए, शेयर करिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स में, और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलिए। तो चलिए, लेट्स दिस स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, ये है बियर शैम्पू। ये पार्क एवेन्यू ब्रांड का एक प्रोडक्ट है बियर शैम्पू, जो कि काफ़ी अच्छा है हमारे हेयर के लिए। आप देख सकते हैं आपके जो हेयर हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग, हेल्दी, शाइनी एंड बाउंसी दिखेंगे इसको यूज़ करने के बाद। क्योंकि सो फ्रेंड्स, मेरे बाल भी काफ़ी डैमेज थे, काफ़ी ज़्यादा डैमेज थे, मुझे काफ़ी हेयर प्रॉब्लम्स रहती थी। तो इस शैम्पू को यूज़ करने के बाद मेरी जितनी भी हेयर प्रॉब्लम्स हैं वो सारी दूर हो चुकी हैं। तो चलिए बात करते हैं इसकी पैकेजिंग की। तो आप देख सकते हैं लाइक दिस बियर, जैसे कि बियर बॉटल होती है, इसकी पैकेजिंग कुछ इसी तरह है। मुझे इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी लगी, ये आप देख सकते हैं। और इस तरह से इसका कैप दिया हुआ है, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में या बियर वगैरह में लगे रहते हैं। लेकिन ये सिर्फ शो के लिए है, ये इसे खोलना नहीं है, ये इसी तरह से ओपन होगा जैसे कि और कैप्स शैम्पू वगैरह के ओपन होते हैं, ये आप देख सकते हैं। और आपको जब भी यूज़ करना है फ्रेंड्स, तो ये एक पूरा कैप में आपको पूरा शैम्पू इसमें ले लेना है, वो पूरा शैम्पू अपने हेयर में अच्छे से लगाकर मसाज करना है। तो इसके बारे में हम अभी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं इसके प्राइस की। तो फ्रेंड्स, इसका जो प्राइस है वो है 250, यानी कि ये 250 रुपये का मुझे पड़ा है, और मैंने इसे मार्केट से बिग बाज़ार से परचेज़ किया है। ये ऑनलाइन भी हर जगह अवेलेबल है, ये मार्केट में भी हर जगह अवेलेबल है। और बात करते हैं अगर इसके कि ये कितने ml है। तो फ्रेंड्स, ये 350 ml है, यानी कि 350 ग्राम है इसमें। और इसके साथ मुझे, आप ये यहाँ देख सकते हैं, 20 ml एक्स्ट्रा फ्री, ये मुझे इसके इसमें अंदर फ्री मिला है। तो फ्रेंड्स, इसकी टोटल प्रोडक्ट क्वांटिटी 350 ml है, और 20 ml मुझे इसमें फ्री एक्स्ट्रा मिला है। तो फ्रेंड्स, बात करें अब अगर इसकी फ्रेग्रेंस की, तो वो भी काफ़ी अच्छी है। जैसे कि सनस्क्रीन वगैरह में फ्रेग्रेंस रहती है फ्रेंड्स, लाइक दिस बिल्कुल वैसे ही है इसमें भी। अगर ये आप अपने बालों पर अप्लाई करते हो तो एक भीनी भीनी सी खुशबू आपके बालों से आती रहेगी। वॉश कर लेने के बाद भी बालों में से हल्की हल्की लाइटेड स्मेल्स आपको सुंघाई देगी। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं इसके बेनिफिट्स की, कि इसे यूज़ करने से हमारे बालों पर क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो फ्रेंड, पहला बेनिफिट ये है कि ये हमारे बालों को डैमेज होने से बचाता है, हमारे बालों को स्ट्रॉन्ग बनाता है, हमारे बालों को बाउंसी बनाता है, हमारे बालों को शाइनी और क्रिस्टल लुक देता है, और हमारे बालों को सिल्की, स्ट्रॉन्ग एंड स्मूदी बनाता है। तो फ्रेंड्स, इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हैं फ्रेंड्स, क्योंकि विंटर डे चल रहा है, विंटर टाइम चल रही है। तो फ्रेंड्स, इन दिनों में बाल काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं, क्योंकि हम थोड़े गुनगुने पानी से या गर्म पानी से नहाना पसंद करते हैं, जो कि हमारे बालों पे पड़ते ही हमारे बालों की शाइनिंग चली जाती है, डैमेज हो जाते हैं, रूट्स बहुत कमज़ोर हो जाती हैं, मतलब उसकी जड़ें बहुत कमज़ोर हो जाती हैं। तो फिर इन सारी प्रॉब्लम्स का ये एक सोल्यूशन है बियर शैम्पू। फ्रेंड, इसको यूज़ करने से आपके बालों में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और जो प्रॉब्लम्स हैं भी वो भी दूर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये हमारे बालों का जो लुक होता है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है, जैसे कि बाल बहुत पतले लगते हैं शैम्पू वगैरह करने के बाद, मगर इसको करने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप इसको एक बार यूज़ करिए, आपके बालों में काफ़ी शाइनी, स्मूदी, सिल्की ऐसा लुक आएगा, और साथ ही हमारे हेयर को बाउंसी भी बनाता है।
तो फ्रेंड्स ये आपके डैमेज बालों को रिड्यूस करता है और उन्हें स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी बनाता है। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें इसकी कंडीशनिंग की, तो हाँ इसमें कंडीशनर ऐड नहीं है, ये एक विदाउट कंडीशनर शैम्पू है, लेकिन फिर भी ये इसमें कंडीशनर नहीं है तो इसके मतलब ये नहीं कि ये आपके बालों को एक स्मूदी या सिल्की लुक नहीं देगा। नहीं फ्रेंड्स, इसको यूज़ करने के बाद आपके बाल शाइन भी करेंगे, सिल्की एंड स्मूदी लुक भी रहेगा। तो अगर हम बात करें अब इसके कि इसे कैसे यूज़ करना है, कैसे इसे लगाना है, तो मैं बता देती हूँ आप लोग को कि इसे लगाने से पहले फ्रेंड्स आप अपने बालों में 10-15 मिनट्स के लिए कोई भी ऑयल यूज़ करिए, हेयर ऑयल कोई भी जो आपके पास हो, पैराशूट है, आलमंड ऑयल है या आमला ऑयल है, जो भी आप अपने घर पे अपने बालों में यूज़ करना पसंद करते हो फ्रेंड, तो 10-15 मिनट पहले आप उसे पहले यूज़ कर लीजिए अपने बालों में, अच्छे से हेयर से हेयर मसाज कर लीजिए। तो फ्रेंड्स आपको हेयर ऑयल मसाज करने के 10-15 मिनट के बाद अपने बालों में अच्छे से शैम्पू करना है। शैम्पू को इस कैप में, एक कैप पूरा लेकर अपने बालों में लगाना है और अपनी फिंगर से धीमे धीमे अपने जड़ों में अच्छे से मसाज करनी है 2-3 मिनट तक, और उसके बाद इसे 2-3 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा ऐसे ही, और फिर उसे उसके बाद आपको एक साफ़ पानी से अपने बालों को वॉश कर लेना है, और वॉश करने के बाद आपको टॉवल से अच्छे से अपने बालों को पोंछ लेना है, लेकिन उसे कस कस के झटकिएगा मत, जैसे कि लोग बालों को वॉश करने के बाद टॉवल से काफ़ी तेज़ तेज़ झटकते हैं, उससे भी आपके बाल डैमेज हो जाते हैं फ्रेंड्स। तो ये कतई मत करिएगा, ये एक गलत ट्रिक है आप लोग के बालों को। फ्रेंड्स मैं इसे काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, ये एक अच्छा हेयर शैम्पू है फ्रेंड्स। इसे आपको हफ्ते में सिर्फ दो से तीन बार ही यूज़ करना है, आपको रोज़ यूज़ नहीं करना है, और ये एक बॉटल, ये जिसकी प्रोडक्ट क्वांटिटी जो है 350 ml है, तो ये आपकी पूरी 1 मंथ कंप्लीट चलती है। तो फ्रेंड्स इसको आप लोग मार्केट से या ऑनलाइन जैसे चाहे वैसे परचेज़ कर सकते हैं, और इसका जो रिज़ल्ट है वो 1 मंथ में आपको कम्प्लीटली पूरा ढंग से पता चलेगा। आप ये चाहो कि 1-2 दिन में करते ही हमें पता चल जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो फ्रेंड्स इसको 1 मंथ आपको यूज़ ही करना है, 1-2 दिन में इसका रिज़ल्ट नहीं मिलेगा आपको। मैंने भी इसे 1 मंथ यूज़ किया और उसके बाद फिर देखा इसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा था, तो मैं इसे अभी यूज़ कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स अगर आप सोचें कि इससे आपके बालों की लेंथ बढ़ेगी, तो नहीं फ्रेंड्स ये गलत है, आपके बालों की लेंथ इससे नहीं बढ़ेगी, ये सिर्फ आपके डैमेज बालों को रिड्यूस करता है, ये बालों को स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी बनाता है, बालों को बाउंसी बनाता है, बालों को एक शाइनी एंड क्रिस्टल लुक देता है, ये आपके बालों को काफ़ी अच्छी कंडीशनिंग भी देता है, जबकि ये एक विदाउट कंडीशनर शैम्पू है। और अगर हम बात करें लेंथ की, तो प्लीज़ इसमें लेंथ नहीं बढ़ती है, ये सिर्फ आपकी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, अल्लाह हाफिज़।